जल्द ही कपड़ों से लेकर जूतों पर इंडियन स्टैंडर्ड नंबर देखने को मिलेगा। इस पर कपड़ा मंत्रालय का काम आखिरी फेज में चल रहा है। इनके लागू होने का फायदा ये होगा कि कंपनियों के बनाए गए कपड़े और जूते भारतीयों को आसानी से फिट आ जाएंगे। दरअसल मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड्स कपड़ों के माप के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके साइज 3 कैटेगरी यानी स्मॉल, मीडियम और लार्ज में होते हैं। लेकिन अब कपड़ों और जूतों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड आने का फायदा कंपनियों और ग्राहकों दोनों को होगा। इसकी वजह है कि पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले लंबाई और वजन में भारतीयों की कद काठी काफी अलग होती है। लेकिन कपड़ा मंत्रालय की पहल के बाद अब कंपनियां भारतीय ग्राहकों के हिसाब से कपड़े बना पाएंगी और ग्राहकों को भी अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े और जूते मिल पाएंगे। भारतीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने कपड़े और जूते लोगों को आसानी से फिट आ जाए, इसके लिए भारतीय मानकों को 3D स्कैनर की मदद से तय किया जाएगा। इसके लिए देश के 6 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, शिलोंग और हैदराबाद के लोगों का माप लिया जाएगा। इसमें 15 से 65 साल की उम्र के 25,000 लोगों का माप शामिल है। माप को लेकर ये तैयारी 2018 में ही कपड़ा मंत्रालय ने शुरू कर दी थी। इसके लिए NIFT को भारतीय साइज चार्ट को लेकर स्टडी करने के लिए 2 से 3 साल दिए गए थे। इस सर्वे की लागत करीब 31 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 21 करोड़ रुपए का योगदान कपड़ा मंत्रालय और बाकी का योगदान NIFT ने किया था। भारतीय के लिए इंडियन स्टैंडर्ड की डिमांड कपड़ा उद्योग की तरफ से भी की जा रही थी। पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले भारतीयों के शरीर के आकार में सबसे बड़ा अंतर कमर और पैरों का होता है। लेकिन अब भारत में बनने वाले कपड़े भारतीयों को पश्चिमी देशों वाले साइज के मुकाबले ज्यादा फिट आएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड साइज आने से ई कॉमर्स को भी बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इसे भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों में भी साइज को लेकर दुविधा दूर हो जाएगी। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ब्रिटेन के मानक का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है कि ब्रिटेन ने इन देशों पर लंबे समय तक राज किया है।